हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, तो जिनका भी एडमिशन जैन या फिर जून 2022 में हुआ है उनके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कॉमन है एंड एग्जामिनेशन में ये आ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो फिर आप हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि आपको इस तरह की वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे और आपके एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। जब आप स्ट्रेटेजी तैयार करते हो तो आपके पास कौन कौन सी ऑल्टरनेटिव्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे और किस तरीके से उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए फिर देखते हैं। सो आफ्टर एनवायरमेंटल एनालिसिस द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द वेरियस स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। जब आपने एनवायरमेंट को एनालाइज कर लिया, एनवायरमेंट को एनालाइज करने के लिए हम लोग SWOT एनालिसिस का इस्तेमाल करते थे या क्वेस्ट का इस्तेमाल करते थे। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या यूज करना चाहते हो। तो आफ्टर एनालाइजिंग द एनवायरमेंट, ठीक है ना, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू द स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास जो स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स होंगे, मतलब आप स्ट्रेटेजी किस तरीके से तैयार करोगे, किस तरीके से आप अपने कंपनी को आगे लेकर के बढ़ोगे, इसके बारे में एक तरीके से आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है। और यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ यू नो ऑल्टरनेटिव्स आपके पास होते हैं, तो आपको बेस्ट चूज करना होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं। नाउ आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स दे हैव टू बी इवैल्यूएटेड टू मैच देम विद द एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो जब आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का, आई मीन ऑल्टरनेटिव्स का, तो आपका अगला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपने जो भी आपके स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स हैं आप उनको एनवायरमेंटल एनालिसिस के साथ जो भी आपको आपका आउटपुट आया था उसके साथ आप मैच करो। ऐसा नहीं है कि देखो सारी स्ट्रेटेजी हर तरह के एनवायरमेंट में काम नहीं कर सकती, तो आपका जो भी एनवायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रेटेजी लाइक बेस्ट सूटेड होगी आपको उसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप सारी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे या कुछ गलत स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपकी कंपनी के लिए, आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है कि वो गलत हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि आप लाइक इन चीजों को ध्यान दें और जो भी स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स आपने तैयार करी हैं उसको आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस के साथ मैच करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू ग्लोएक एंड जॉर्ज आप बोल सकते हो, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स रिवॉल्व अराउंड द क्वेश्चन वेदर टू कंटिन्यू और चेंज द बिजनेस, है ना। जो स्ट्रेटेजिक जो ऑल्टरनेटिव हमारा बनता है वो एक्चुअली इस क्वेश्चन के आसपास में घूम रहा होता है कि क्या आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए इस बिजनेस को या फिर आपको चेंज करना कर देना चाहिए। द एंटरप्राइज इज करेंटली इंप्रूविंग द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस विद विच द फर्म अचीव्स इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स इन इट्स चूज़न बिजनेस सेक्टर, है ना। तो जो भी आपका बिजनेस सेक्टर होगा जिसको भी आपने चूज किया होगा उसमें लाइक अगर आपको प्रीडोमिनेंट बनना है, अगर आपको एक अच्छी कंपनी बननी है, एफिशिएंटली काम करना है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने जो भी आपकी करंट जो कैपेसिटी आप उसमें उसको इंप्रूव करते रहो, है ना। द एंटरप्राइज इज करेंटली इंप्रूविंग, एंटरप्राइज जो है वो करेंटली इंप्रूव कर रही है एफिशिएंसी वाइज इफेक्टिवनेस वाइज, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है ताकि वो अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके जिस भी सेक्टर को उसने चुना है। द प्रोसेस में रिजल्ट इन टू लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन रिलेट्स इटसेल्फ टू द एनवायरमेंट। अब इस प्रोसेस में हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव नजर में आए, है ना, जो कि आपको लगे कि नहीं एनवायरमेंट के लिए ये सही है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको लाइक हड़बड़ाना नहीं है, जो भी बेस्ट होगा वो आपने चूज करना है। सो ऑल ऑल्टरनेटिव कैन नॉट बी इवन चूजन इफ ऑल ऑफ दीज प्रोवाइड द सेम रिजल्ट। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पांच ऑल्टरनेटिव है इसका मतलब ये थोड़ा है कि पांचों को आपने चूज कर लिया, पांचों को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो यू विल हैव टू चूज वन विच इज लाइक मोस्ट सुटेबल थिंग फॉर योर बिजनेस, तो आपको वो करना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑल ऑल्टरनेटिव कैन नॉट बी चूजन इवन इफ दीज प्रोवाइड द सेम रिजल्ट। अगर सेम रिजल्ट सभी कोई प्रोवाइड कर रहे हैं फिर भी आप कोई एक ऑल्टरनेटिव ही चूज कर सकते हो, राइट। ऑब्वियसली मैनेजर्स इवैल्यूएट देम एंड लिमिट देमसेल्फ। सही सी बात है कि मैनेजर्स जो होते हैं वो उसको इवैल्यूएट करते हैं और उसको लिमिट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ग्लोएक देयर आर बेसिकली फोर ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। सो ग्लोएक के अकॉर्डिंग जो है चार ग्रैंड यू नो स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहली होती है स्टेबिलिटी, दूसरा होता है एक्सपेंशन, तीसरा होता है रिट्रेंचमेंट और चौथा होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सो दीज आर द टुगेदर नोन एज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एंड बेसिक स्ट्रेटेजीज।
अगर इन सबको एक साथ बोला जाए तो उसको हम लोग स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज या बेसिक स्ट्रेटेजीज के नाम से जानते हैं। सबसे पहला है स्टेबिलिटी, तो चलिए फिर देखते हैं। सो इन दिस द कंपनी डज नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इट इज डूइंग नाउ। स्टेबिलिटी के केस में कंपनी जो होती है वो जो जिस काम को भी वो कर रही होती है उसके बाहर जाकर के वो काम नहीं करती, वो कुछ नई चीज ट्राई नहीं करती है, वो बस स्टेबिलिटी चाहती है। वो अपनी कंपनी में जो भी चीज को कर रही है, लाइक जो भी उनका नीश है वो उसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो एक्सपैंड करने के बारे में या दूसरे दूसरे सेक्टर में जाने के बारे में नहीं सोचते हैं। द कंपनी सर्व्स विद सेम प्रोडक्ट, कंपनी सेम प्रोडक्ट को सेल करती है, सर्व करती है लोगों को इन सेम मार्केट एंड विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। जो भी उनके पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए वो सेम मार्केट में सेम लोगों को सेम प्रोडक्ट जो है सर्व कर रही है। हालांकि ये समटाइम्स अच्छा नहीं होता है क्योंकि स्टेबिलिटी के चक्कर में कई बार कंपनी जो होती है वो मार्केट से बाहर हो जाती है। जैसे कि नोकिया का एग्जाम्पल मैं कई बार बताता हूँ कि नोकिया का एग्जाम्पल एक बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है जिसके बारे में लाइक आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि नोकिया सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था, उनका जो ओएस था वो सिम्बियन का था। एंड्रॉयड जब आया तो नोकिया को लगा कि भाई हमारा तो सेम मार्केट है, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम सेम प्रोडक्ट को, हम सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोगों को अप्रोच करेंगे ताकि लोग जो है उस चीज को लें, है ना। लेकिन वो नहीं चला क्योंकि एंड्रॉयड ज्यादा कन्वीनियंट था, ज्यादा इजी टू यूज था, तो लोगों ने नोकिया को चुपचाप मार्केट से बाहर निकाल दिया। तो ये होता है, ये मॉडर्नाइजेशन आपको बहुत जरूरी है। ये एग्जिस्टिंग चीजों के साथ, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ आप मार्केट में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते, और खासकर अभी के टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन जो स्टेबिलिटी वाली जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें कंपनी क्या करती है, उसमें कंपनी बस यही करती है कि वो कुछ नहीं करती है, कंपनी बस सेम प्रोडक्ट के साथ सेम मार्केट को सर्व कर रही होती है विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, विच इज नॉट गुड। This is possible when environment is relatively stable. ये तभी possible हो पाता है जब environment जो है वो stable है। जैसे कि जब Android market में आया तो उसने market को disrupt कर दिया। Stable नहीं था उस time पे market. Modernization improved customer service and special facility may be adopted in stability. So modernization के कारण एक तरीके से जो customer service है वो भी बहुत हद तक improve हुई है, और special facility जो है adopt की जा रही है ताकि stability जो है लाई जा सके, ठीक है। अगला point है expansion. So this is adopted when environment demands increase in price of activity, pace of activity, है ना? तो ये तब होना चाहिए जब environment जो है वो demand करती है कि भाई आपको अब अपने काम में, आपको अपनी activity में थोड़ा pace पकड़ना होगा, थोड़ा speed से, थोड़ा अच्छे तरीके से काम करना होगा, आपको अपनी technology में थोड़ा बहुत बदलाव लाना होगा, कुछ different करना होगा। देखो एयरटेल अभी तक सर्वाइव इसीलिए कर पाई क्योंकि एयरटेल कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट में लगी हुई है, एयरटेल कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट में लगी हुई है। नोकिया ने इंप्रूवमेंट किया पर उन्होंने गलत सेक्टर चुन लिया, उन्होंने एंड्रॉयड विंडोज के लाइक फोन्स लॉन्च कर दिए जबकि उनको एंड्रॉयड करने थे, ठीक है ना। तो आपको करना जरूरी है, सही टाइम पर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि इन्वायरमेंट जो है डिमांड जब भी करता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। कंपनी broadens its customer group, customer function and the technology. company क्या करती है, अपने जो भी उनका customer का group है, customer functions, उसको वो broaden कर लेती है, बड़ा कर लेती है। this may be broadened either singly or jointly. this kind of strategy has a substantial impact on the internal functioning of the organization. है ना, अब ये जो expansion है इसमें जो boarding का जो काम है ये singly भी हो सकता है, single तौर पे भी हो सकता है, फिर jointly भी हो सकता है, मतलब किसी के साथ मिल करके भी, जैसे कि android के साथ मिल करके नोकिया phones निकालती तो वो भी हो सकता है ना। और ये जो स्ट्रेटेजी होती है इसके कारण से जो इंटरनल फंक्शनिंग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत हद तक एक तरीके से इंपैक्ट होता है, उस पर इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि जब आप किसी और कंपनी को अपने साथ में ला करके किसी एक बिजनेस को करने की कोशिश करते हो तो चीजें आपस में बैठाने में, लाइक तालमेल बिठाने में काफी टाइम लग जाता है, तो इंटरनल फंक्शनिंग के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वही बात यहाँ पे बताई गई है। अगला पॉइंट है रिट्रेंचमेंट। सो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग फॉर दिस स्ट्रेटेजी then it has to reduce its process of strategy scope in terms of customer group, customer function or alternative technology. retrenchment एक तरीके से हो गया कि जहां पे आप बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लाइक कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। if involves partial or total withdrawal from three things, for example L&T getting out of the cement business, the objective varies from company to company, ठीक है। तो रिट्रेंचमेंट में क्या हो रहा है कि जनरली कंपनी क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, कंपनी चुपचाप जब उसको लग रहा है कि मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर आ गया है भाई जो कि हमसे बड़ा है, हमसे बेहतर है, जो कि जिसके पास रिसोर्सेज हमसे ज्यादा है, तो वो कंपनी क्या कर रही है, वो रिट्रेंच कर जा रही है, पीछे हट जा रही है, वो उस कंपनी, वो उस बिजनेस को वो छोड़ दे रही है, ठीक है। सो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग फॉर दिस, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रेटेजी के तहत जाती है तो वो क्या करती है, वो रिड्यूस कर देती है अपने प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी को, जो भी उनका स्कोप होता है कस्टमर ग्रुप या फिर कस्टमर फंक्शन के अकॉर्डिंग, उन सबको वो एक तरीके से रिट्रेंच कर दे रही है, रिड्यूस कर दे रही है अपने स्ट्रेटेजीज को,
अब ये इसमें होता क्या है, इसमें पार्शियल या फिर टोटल विदड्रॉल हो जाता है फ्रॉम थ्री थिंग्स, ठीक है ना। जो ऊपर की तीन चीजें मैंने बताई है उसमें पार्शियल या फिर टोटल विदड्रॉल हो जा रहा है, कंपनी जो है कंप्लीटली हट जा रही है या फिर थोड़ा बहुत 50% जो है वो हट जा रही है, किसी और के साथ में मिलकर के काम कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एलएनटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एलएनटी इंडिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है, इंडिया के बाहर भी काम करती है, लेकिन स्टिल वो लोग जो है सीमेंट के बिजनेस से वो लोग आउट हो गए, सीमेंट का बिजनेस उन लोगों ने नहीं किया। द ऑब्जेक्टिव वैरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो वैरी कर सकती है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो ये आखिरी है, व्हेन ऑल थ्री स्ट्रेटजीज आर टेकन टुगेदर दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। जब ऊपर की तीनों स्ट्रेटजी एक साथ इस्तेमाल की जाती है तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इज पॉसिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज। और ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल उन्हीं के लिए है जिनके पास पोर्टफोलियो काफी लंबा चौड़ा है, जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं, जैसे टाटा ले लो, अंबानी ले लो, अडानी ले लो। ये कोई एक बिजनेस नहीं कर रहे होते, पांच तरह के बिजनेस करते हैं, जहां पे इनको सही नहीं लगता वहां से वो लोग निकल जाते हैं, जहां अच्छा लगता है वहां पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज फोर ग्रैंड स्ट्रेटजीज, डिफरेंट स्ट्रेटजीज विच आर यूज कॉमनली एज फॉलोज, इन चारों के अलावा कुछ कुछ और स्ट्रेटजीज है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है मॉडर्नाइजेशन। In this, technology is used as the strategic tool to increase production and productivity or reduce cost. तो इस तरह की जो है, जो बात है इसमें, इस तरह की strategy में लोग क्या करते हैं, इसमें ये लोग करते हैं कि लोग modernization को अपनाते हैं, नए नए technology का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका production cost जो है उसको reduce किया जा सके, production को बढ़ाया जा सके, ताकि वो market को ठीक तरीके से capture कर पाए। तो ये इनका focus जो है वो modernization के ऊपर होता है। इसके बहुत सारे examples हैं, बोट का example ले लो, है ना। घड़ियों में बहुत सारी घड़ियां चलती थी, लेकिन अभी बोट की घड़ियां लोग पसंद कर रहे हैं, बोट इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज जो कि मॉडर्नाइजेशन के कारण जो है अभी के टाइम पर बहुत ही बड़ी कंपनी बनी हुई है। थ्रू मॉडर्नाइजेशन द कंपनी एम्स टू गेन कॉम्पिटेटिव एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ जो कंपनी है वो कॉम्पिटेटिव और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रही है। अगला है इंटीग्रेशन। The company starts producing new products and services of its own, either creating facility or killing others. Integration में company क्या होता है कि जो company होती है वो products को बनाना start करती है, products और services को, या तो वो खुद से बनाएगी या तो किसी और company को खत्म करके बनाएगी, या तो वो कंपनी किसी और कंपनी को अपने अंडर लाइक सम्मिलित कर लेगी, मिला लेगी, या फिर तो उस कंपनी के बिजनेस को ही ठप करवा देगी। क्योंकि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आप ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो, अच्छे दाम पे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बना सकते हो, तो दूसरी कंपनी ऑटोमेटिक मर जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज होता है। इंटीग्रेशन कैन बी ईदर बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। In forward integration, it gains ownership over distribution or retailers. Forward integration में क्या होता है कि आप अपनी जिस भी कंपनी को आप एक्वायर करना चाहते हो उसकी ownership को आप एक्वायर कर लेते हो, उसके distribution और retailership को पूरे के पूरे तरीके से एक्वायर कर लेते हो, thus moving towards customer, while in backward integration, the company seeks ownership over firm suppliers, thus moving towards raw materials. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब forward integration आप कर रहे हो तो फिर आप customer की तरफ बढ़ रहे हो, कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलर को मतलब एक तरीके से अपने अंडर ले रहे हो। लेकिन जब आप बैकवर्ड करते हो, जब आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हो, तो फिर आप यहाँ पे कंपनी के सप्लायर्स को ध्यान देने की कोशिश करते हो, कंपनी के सप्लायर्स को एक्वायर करने की कोशिश करते हो, और जहाँ पे आपका ध्यान जो है वो रॉ मटेरियल की तरफ ज्यादा होता है कि रॉ मटेरियल हमारे पास सस्ते दाम पे अवेलेबल होगा तो हम मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, हम अकेले चीजों को कर सकते हैं। वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी वही होता है, अगर आपकी मोनोपोली हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको ही फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह के चीजों के बारे में बोला गया है। फॉरवर्ड कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर की तरफ जा रहा है, और बैकवर्ड कंपनी की तरफ जा रहा है कि कंपनी की जो सप्लायर्स हैं, कंपनी के जो मटेरियल्स हैं, उनको आप किस तरीके से कैप्चर करोगे। सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन गेन्स ओनरशिप ओवर कॉम्पिटिटर्स, इट इज एंगेज्ड इन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो जब कंपनी एक तरीके से ओनरशिप प्राप्त कर लेती है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, वो जो है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के ऊपर काम करती है। वर्टिकल शेप और हॉरिजॉन्टल शेप आप गूगल पर सर्च करना अगर आपको नहीं पता है, बहुत ही आसान है। काम करने का एक्चुअली तरीका होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और एक होता है कि एक लाइन में सारी चीजें चल रही होती हैं, तो एक लाइन वाला हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है सीधा वाला, कि आप नीचे से ऊपर जाओगे या ऊपर से नीचे आओगे। तो ये फॉरवर्ड मतलब नीचे से ऊपर, बैकवर्ड मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट है इंटीग्रेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स चेंज इन बिजनेस डेफिनेशन
इधर इन टीम टर्म्स ऑफ कस्टमर फंक्शंस, कस्टमर ग्रुप्स और ऑल्टरनेटिव्स टेक्नोलॉजी। तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि आप चेंज ऑफ बिजनेस करते हो, ठीक है ना, आप बिजनेस का डेफिनेशन ही चेंज करने की कोशिश करते हो, चाहे वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर के हो, आपने सॉरी कस्टमर फंक्शन को लेकर के हो कि किस तरह की फंक्शनैलिटी के ऊपर आप काम कर रहे हो, किस तरह से आप कंपनी कस्टमर को सर्व कर रहे हो, आपने उसमें कोई बदलाव कर दिया बहुत बड़ा सा, आपने डिफरेंट कस्टमर ग्रुप को एक तरीके से किया, आपने आप जिस कस्टमर ग्रुप को अभी टारगेट कर रहे थे आप उसको नहीं करके किसी और कस्टमर ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को, ठीक है ना, आप ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यू आर डाइवर्सिफाइंग योर बिजनेस, योर यू नो जो भी आपके पास यू नो रिसोर्सेज है आप उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हो। इट इज डन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग ओवर सेवरल बिजनेसेस। ये तब किया जाता है जब ज्यादा बिजनेस में जब आप यू नो स्प्रेड कर लेते हो तो उसमें रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे ये चीज जो है की जाती है। टू कैपिटलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड मिनिमाइज वीकनेस, आपको अपने और जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैपिटलाइज करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करने के लिए और उसके वीकनेस को मिनिमाइज करने के लिए आप डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि शेयर मार्केट में भी आपको जो है अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करना होता है, आप अगर किसी एक मार्केट में ही सारे के सारे पैसे लगा दोगे और वो कंपनी अगर डूब गई, वो शेयर मार्केट शेयर अगर डूब गया तो आपके सारे के सारे पैसे चले जाएंगे, इसलिए अपने पैसों को आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यू नो अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोर्स करने हैं या फिर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं अपना ऐप लॉन्च करने वाला हूं जल्दी ही, जहां पे मैं एमकॉम बीकॉम और साथ ही साथ ये शेयर मार्केट के बारे में भी जानकारी दूंगा, फ्री कोर्सेज रहेंगे वो, तो आप वहां पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ चार्जेस हो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही मिनिमल चार्जेस होंगे, लाइक इजी टू यूज, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। Now, तो इस चीज के जो है डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, टू मिनिमाइज थ्रेट, टू अवॉइड करंट इनस्टेबिलिटी इन प्रॉफिट एंड सेल्स एंड टू फैसिलिटेट हायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है और ये हर चीज में किया जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स कैसे काम करती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या होनी चाहिए एंड किस तरीके से आप उसके ऊपर काम करोगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें एंड यस नोट्स अवेलेबल है, नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।